आ गया आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं ऑटो पैसा। दोस्तों आज हम बात करेंगे MSDO के बारे में। दोस्तों ये ब्रोकरेज इसमें बिल्कुल फ्री लगता है, सिर्फ टैक्स लगता है। यानी अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें ब्रोकरेज देना नहीं है बिल्कुल। यानी 20 रुपये बाई के और 20 रुपये सेल्फ लगते हैं, वो इसमें नहीं लगता दोस्तों। बिल्कुल फ्री ब्रोकरेज है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए काफ़ी बेस्ट है, एक बिगनर के लिए सीखने के लिए काफ़ी ऐसा ट्रेड है। क्योंकि दिन में आप 5 से 10 बार ट्रेड ले लेते हैं तो आपका ब्रोकरेज बच जाता है। आपको लॉस होगा तो थोड़ा बहुत लॉस होगा, ब्रोकरेज नहीं कट होगा। इसीलिए सीखने के लिए काफ़ी अच्छा ये प्लेटफॉर्म है दोस्तों MSDO। आप MSDO को ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा दोस्तों। इसमें काफ़ी अच्छा स्मूथली इसमें दिया हुआ है दोस्तों। ये देखिए, ये वॉच लिस्ट यहाँ से बना सकते हैं। आप जो भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक लेना चाहते हैं तो वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ऑर्डर, जो भी आपका ऑर्डर होगा इसमें शो होगा दोस्तों, इसमें पोजीशन शो होगा, ठीक है। और यहाँ पे पोर्टफोलियो शो होगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं MSDO में म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, क्या इसमें ऑप्शन है कि नहीं है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ म्यूचुअल फंड, इस पर हमें एक बार क्लिक करके देख लेते हैं क्या दिखाई देता है दोस्तों। तो देखिए जैसे हम म्यूचुअल फंड पे क्लिक किए हैं तो ये यहाँ पे लिखा आ रहा है कमिंग सून, यानी आने वाले समय में म्यूचुअल फंड इस पर हम खरीद सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अभी हमें कोई गारंटी नहीं है कब तक आएगा, 6 महीने भी लग सकते हैं और 1 साल भी लग सकते हैं, तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों। क्योंकि आपको ब्रोकरेज देना नहीं है। देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, आप ये यहाँ से इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। मैंने ये में इंडिकेटर लगाया हुआ है, इसी इंडिकेटर से आप बाई और सेल कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल स्मूथली इस पर सीख सकते हैं, एक बिगिनर लेवल पे सीख सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना है यानी MSDO डाउनलोड करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ दोस्तों, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।